हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा किचन पॉइंट। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ दूध के मलाई से डायरेक्ट मक्खन कैसे निकालें। तो ये मैंने है उसे मैंने फ्रिज से निकाल करके और उसे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया था। और उसके बाद में मैंने एक ले लिया है ये फेंटने वाला स्पेचुला और उससे मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है कम से कम 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ठंडा एकदम बर्फ़ वाला चिल्ड पानी और इसे धीरे धीरे करके ऐसे मिक्स करेंगे। अभी गर्मी है तो इसमें ठंडा पानी डालने से मक्खन है वो एकदम अच्छा सा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो इसलिए हम ठंडा पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फेंट लेंगे 3-4 मिनट के लिए, जिससे ये मक्खन है बहुत अच्छे से हो जाएगा और दूध है वो अलग हो जाएगा इसके अंदर। और अभी देखो मक्खन है वो अच्छे से थिक हो गया है और अभी हम इसे अलग कर लेंगे एक बर्तन में। देखिए मैं एक अलग बर्तन में इसे निकाल रही हूँ और ये मलाई है वो 10 दिन की मलाई है। ना इसमें कोई दही जमाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसे मधानी या फिर किसी से इसे चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्ट हाथ से ही 15 मिनट में हमारा मक्खन बन के एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 10 दिन की मलाई से मैंने ये यहाँ पे 1 kg के आसपास में मक्खन है ये तैयार कर लिया है, इतना ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा मक्खन है वो मैंने निकाल लिया है और बहुत ही आसानी से ये मक्खन बन के तैयार हो गया। और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी इसे आप खा सकते हैं। और अगर आप इससे घी बनाना चाहते हैं तो आप इससे घी भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा है मक्खन वो निकाल लिया है, आप देख सकते हैं 1 किलो के आसपास में मेरा मक्खन बन के तैयार हो गया है। और ये दूध का पानी है वो अलग हो गया है, इसे अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मक्खन है उसका सेकेंड प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने फुल एकदम चिल्ड पानी ले लिया है, उसमें डीप कर दिया है पूरा मक्खन, जिससे हमारा मक्खन है उसमें जो दूध का पानी रहेगा वो अलग हो जाएगा और हमारा मक्खन है वो एकदम से टाइट टाइट और थिक हो जाएगा। जैसे ऐसे लगेगा जैसा बिल्कुल ही हमने जैसे मधानी से हम दही जमा करके निकालते हैं उस टाइप का मक्खन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा मक्खन है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम फ्लफी सा, एकदम मुलायम सा। और इस तरीके से आप घर में आसानी से डायरेक्ट मलाई से घी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।